दो आ गए आप लोग, तो चलो यार शुरू करते हैं आज का महाभारत। मैं तुम्हें सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप बिना एयरफोन को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और दूसरा डिस्क्लेमर, अगर आप ये वीडियो अपने दिल पे ले गए तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत होंगी, क्योंकि इस पर दिल पे लेने की कोई बात ही नहीं है यार। ये बस इलेक्शन के ऊपर वीडियो बन रही है, ना कि आपके फेवरेट नेता के ऊपर वीडियो बन रही है, बस इलेक्शन के ऊपर बन रही है। जो थंबनेल देख के बहुत सारी गेस कर रहे हो, ये गलत है। देखो यार, आज से 4 साल पहले ना मेरे को भी कुछ एहसास नहीं हुआ करता था, मैं बस यही कहता था कि इलेक्शन पॉलिटिशियन ये सब अपना अलग हैं, हम सब अलग हैं, हमसे इनसे क्या मतलब है, बस हमें वोट मांगते हैं, वोट दे देंगे यार किसी ना किसी को। पर अफसोस इस बात का, जब 4 साल बाद मुझे जब कुछ करने की बात आई ना, तो फिर मैं सोचा भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, अब करूँ तो करूँ क्या भाई, जब बेरोजगार की माँ बहन हो चुकी है चारों तरफ से, और एक कोरोना अकाल का अकाल जो बहन जो ऐसा इंसान बना हुआ है ना, जिसकी प्रकृति ने जिसको इतनी क्षमता दी है कि तू जब बेटा चाहे तब जागरूक हो सकता है। देख, साल भर के बाद तू जागरूक हो या साल भर पहले जागरूक हो या भोंसड़ी के 2019 से ही तू 2050 तक रहे, तेरे को कोई मतलब नहीं। तू कोरोना है, तू महामादर चौदह, तू रहेगा अस्तित्व में, तू रहेगा हमेशा ही। इसी का सरकार फ़ायदा उठा रही और अच्छा खासा लॉकडाउन लगा रही और हमारी गांड मार रही है। हम सरकार से हम ये नहीं करें, सरकार आप लॉकडाउन मत लगाइए, आप लॉकडाउन लगाइए पर हमें कुछ तो दीजिए यार। तो देखो यार, मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ, एक नेता से दो चीज़ें मत बोलना। देखिए, सबसे पहली विकास और दूसरी नंबर की चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलप। देखो मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो हाँ, तुम हिंदी बोलते हो तो हिंदी में विकास पूछोगे, डेवलप पूछोगे इंग्लिश में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये दोनों वर्ड पूरे पॉलिटिशियन को पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। वो सीधे बोलते हैं टाटा बाय बाय, आई डोंट केयर दिस वर्ड, आई विल फकिंग दिस वर्ड, आई डोंट नो, मेरे को नहीं समझ में आता। ये हमारे जो पॉलिटिशियन, ये इनकी बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। खाम खा झगड़ा करवाओगे। मैं देखो, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एक नेता को डेवलपमेंट से इतनी ही एलर्जी होती है जितना कि मुझे पॉलिटिशियन से एलर्जी। हाँ, बस छोटी बात में बड़ी बात ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, कोई बात सीरियस नहीं लेनी चाहिए। मैं तुम लोग से बोल देता हूँ, तुम लोग कब सीरियस लोग। तो फिर आते हैं ना भाई, वो मतलब वो जो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, जो वो पॉलिटिशियन जो आपके घर के बाजू आपके द्वार पे आकर बोलते हैं, ऐ सनम तू दे दे हमें, मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं, और हम उनकी भोली भाली बातों में फंसने शुरू हो जाते हैं। तो वो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जैसे दिल दे चुके सनम, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ऐसे बहुत सारे वादा दे देते हैं। मेरा मतलब वो कह देते हैं, हम आपके घर पे नाला बनवा देंगे, आपके मरे मतलब आपके घर के नीचे हम बाथरूम बनवा देंगे, तहखाना बनवा देंगे जहाँ पे आप पैखाना जाके कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या रहता है उसी में से कोई अचाड़े चाड़क के खानदान में कोई लंडा आके बोलता है, जी जनाब आपने 5 साल पहले यही कहा था। तो फिर नेताजी बोलते हैं, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कीम नहीं है, ये लॉजिकल भरी पड़ी पड़ी है। क्या रहता फिर, हमारी जनता बन गई लल्लू। उसके बाद फिर जो स्कैम शुरू होता है वो तो आपको पता ही होगा कि इलेक्शन के बाद कैसे कैसे स्कैम आते हैं, जहाँ पे हम अपील भी करना चाहते तो हमारी गांड पे मोहर मार के भेज दिया जाता है, बोलते हैं बेटा तुम इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तुम्हें सरकारी नौकरी हम कहाँ से देंगे, तुम लंडे जैसे दिखते हो, तुम पढ़ाई कितना की हो इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, ग्रेजुएट तुम्हारी कहाँ तक है ये भी नहीं इंपॉर्टेंट देता, बस इंपॉर्टेंट देता है कि तुम कितने जाहिल हो और कितने बड़े बेवकूफाना हरकत तुम कर सकते हो। फिर आता है इलेक्शन के बाद वाला, फिर हमें लगता है कि हमें नेताजी भूल गए, हमें क्या बहन जब वो तो अपने घर वालों को भी भूल गए, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कितने थे, मेरी बीबी शकुंतला है या फिर प्रियंका, आई डोंट नो, मेरे को कुछ भी नहीं पता। फिर हम इसी इल्यूजन में फंसे रहते हैं, शायद नेताजी फलानी तारीख को 4:04 पर कहीं पर से भी पधार जाएं, पर तुम्हें क्या पता नेताजी किसी चंपा के साथ किसी गली में बैठ के चमेली का तेल लगवा रहे हैं, ये तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, पर मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, हालांकि इतना भी जानकार नहीं हूँ मैं। फिर आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा जिसका आता है, वो है मीडिया, मल्टीमीडिया, हमारा मतलब है इंटरनेट वाली मीडिया, जिसका लाइव सेक्शन में 50,000 60,000 लोग देखते हैं, जहाँ पे तुम लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में महाभारत शुरू किए रहते हो, इसके धर्म की गांड मारते रहते हो, तुम्हें जिससे संतुष्ट मिलता, हालांकि तुम चूतिया हो मैं तुम्हें जानता ही हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में ही गाली दे सकते हो, अगर सामने होगी ऐसी कोई चीज़ तो फिर तुम, मेरे को नहीं लगता तुम घर के अलावा और कहीं पर तुम्हारा कोई स्थान होगा, सॉरी फॉर्म में था बस। देखो ये मीडिया वालों का कार्यक्रम जो मतलब जो इनका कार्यकलाप है ये कितने देर तक रहता है, देखो मैं तुम्हें बता दूँ, ये 12 से लेकर 3 बजे तक एडवर्ट चलाते हैं, जिनके लिए ये पैसे बहुत सारे लेते हैं, और इधर हम कुछ चूतिया लोग जाते हैं, जब हमें 12 के बाद कोई भी चैनल संतुष्ट मतलब कोई चैनल पे कोई अच्छी पिक्चर नहीं आती रहती है तो हम जा करके इसी एड को ही देखते रहते हैं, कौन सा आईफोन कब लॉन्च होगा ये हमें जानकारी तो भी लेनी जरूरी है यार, क्योंकि हमें सुबह टेक की वीडियो भी तो बनानी रहती है। उसके बाद इनका सुबह शुरू हो जाता है फास्टैग वाला, जो कि 100 न्यूज बताते हैं, जिसमें एक न्यूज 70 बार बताई जाती है, 30 न्यूज कोई विदेशी मतलब कोई क्रिकेटर के बारे में बता देते हैं, फिर 4 से 5 बजे तक ये क्रिकेट की न्यूज चलाते हैं, उसके बाद फिर ये डेवलप की कहाँ पे बात करेंगे, अगर कहीं फुर्सत होगी तो कहीं पे नेताजी गए थे यार आज क्या संसद में गाड़ मार के आए हैं, बिल्कुल सही, मैं जो बोला सही बोला हूँ भाई पहले। अब चलो यार वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, मैं तुमसे सबसे पहले बोल देता हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक बटन दबा दो यार, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो,
हालांकि नए पुराने कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है, व्यूज आते नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, पर आएंगे जरूर यार। उसके बाद हाँ, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये तो वही हुआ ना मियां खलीफा, मेरे मतलब कुछ नहीं यार।